हेलो, मैं आपका दोस्त और होस्ट कुणाल हूँ। आप लोग देख रहे कुणाल गेमर। तो सीधे बढ़ता हूँ गेम फैक्ट्स के ऊपर। तो पहला गेम फैक्ट ये है कि असैसिन क्रीड आपने जो गेम खेला होगा या सुना होगा, जो सारा जो कैरेक्टर था जो असैसिन हुआ था वो रियल पर्सन थे, और साथ में उनका डेट ऑफ लोकेशन मरने का पूरा एक्यूरेट था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो बढ़ते हैं दूसरे गेम फैक्ट के जाते। तो दूसरा गेम फैक्ट ये है कि 2011 में 46 ईयर ओल्ड आदमी ने एक बच्चे 13 साल के बच्चे को पे अटैक किया था। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उसको कॉल ड्यूटी में बहुत बार मार दिया था, इसीलिए क्या होगा तो जब गेम के लिए अटैक कर दिया। तो ठीक है, तो बढ़ते तीसरे गेम फैक्ट की। तो तीसरा गेम फैक्ट ये है कि आपको पता है, बोला जा रहा है कि टोंकी कॉन्ग मारियो का पेट था, क्योंकि मारियो ने उसको एब्यूज किया था, इसलिए उसने रिवेंज लिया है मारियो का गर्लफ्रेंड को किडनैप करके। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। बढ़ते हम लोग के चौथे फैक्ट की। चौथा फैक्ट ये है कि बोला जा रहा है कि मारियो का सरनेम भी मारियो है, मतलब उसका पूरा नाम है मारियो। तो पांचवा गेम फैक्ट ये है कि जो जेल्डा जो गेम है, अगर आप जेल्डा के जगह में अगर लिंक आप इसके नाम रखेंगे इन द लेजेंड ऑफ जेल्डा गेम में, तो आप फास्ट क्विज को एंटायरली स्किप कर पाएंगे, ये बोला जा रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। सिक्स गेम फैक्ट ये है कि डेविल मे क्राई जो गेम है वो ऐसे फेल्ड रेसिडेंट ईविल गेम बना स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमें पता है आपको ये कितना फेमस हो चुका है ये डेविल मे क्राई गेम, और साथ में ये एंड्रॉयड में भी आ चुका है, मतलब पूरा नहीं आया, इस पर काम चल रहा है एंड्रॉयड में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सातवें और आखिरी गेम फैक्ट की जब। तो आज का लास्ट गेम फैक्ट ये है कि प्लेस्टेशन वॉज ऑरिजिनली प्लान्ड हुआ था निंटेंडो कंसोल के हिसाब से, लेकिन से पहले सोनी ने उसको ले लिया और प्लेस्टेशन 1 बना दिया गया। तो ऐसे हम लोग को मिला प्लेस्टेशन 1 सोनी का, नहीं जो निंटेंडो का होता। तो जो भी हो, अभी उनको PS5 भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर बोला जा रहा है, तो वो हम लोग एक्साइटेड है, वो देखते हैं कि कैसा होगा, तो इससे नया गेम भी आएगा, जिससे नया गेम आने से शायद फ़ोन में भी लेकर आए। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको नया वीडियो नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके और में सेट कर दीजिए कि जब भी मैं वीडियो डालूँ यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक के लिए बाय बाय।